दोस्तों फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SD Sports 95 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रो कबड्डी सीजन 9 के टॉप 7 नए साइन प्लेयर्स देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा प्रो कबड्डी सीजन 9 की टॉप 4 सबसे मजबूत टीमें ये वीडियो नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों इस लिस्ट में कुछ ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जो कि PKL सीजन 9 के ऑक्शन में अनसोल्ड हो गए थे, लेकिन अब इन खिलाड़ियों की PKL सीजन 9 में वापसी हो रही है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो फिर चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम गुजरात जायंट्स के साइन प्लेयर्स देखते हैं। तो दोस्तों PKL सीजन 9 में गुजरात जायंट्स टीम के पहले साइन प्लेयर्स है संदीप नरवाल। दोस्तों संदीप नरवाल PKL सीजन 9 के ऑक्शन में कैटेगरी ए के ऑलराउंडर थे, लेकिन फिर भी ये अनसोल्ड हो गए थे। दोस्तों पहले तो ऐसे खबरें आ रही थी कि संदीप नरवाल हरियाणा स्टीलर्स की टीम के साथ जुड़ेंगे, लेकिन अब PKL सीजन 9 में संदीप नरवाल हमें गुजरात जायंट्स टीम की ओर से खेलते दिखेंगे। तो दोस्तों PKL सीजन 9 में गुजरात जायंट्स टीम के दूसरे साइन खिलाड़ी है रोहित कुमार। दोस्तों रोहित कुमार का नाम प्रो कबड्डी के दिग्गज खिलाड़ियों में गिना जाता है। दोस्तों रोहित कुमार की फॉर्म पिछले सीजन उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए ये PKL सीजन 9 के ऑक्शन में अनसोल्ड हो गए थे। लेकिन दोस्तों रोहित कुमार की फिटनेस हमेशा से ही अच्छी रही है, तो रोहित कुमार PKL सीजन 9 में अब हमें गुजरात जायंट्स टीम की ओर से खेलते दिखेंगे। तो दोस्तों अब हम PKL सीजन 9 में यू मुंबई टीम के साइन प्लेयर्स देखते हैं। तो दोस्तों PKL सीजन 9 में यू मुंबई की टीम ने सिर्फ एक ही खिलाड़ी को साइन किया है और वो है विशाल माने। दोस्तों विशाल माने PKL सीजन 8 में बंगाल वॉरियर्स टीम का हिस्सा थे और ये PKL में इससे पहले भी यू मुंबई टीम की ओर से खेल चुके हैं। तो PKL सीजन 9 में विशाल माने हमें यू मुंबई टीम की ओर से खेलते दिखेंगे। तो दोस्तों अब हम पटना पायरेट्स टीम के PKL सीजन 9 के साइन प्लेयर्स देखते है। दोस्तों पटना पायरेट्स की टीम ने PKL सीजन 9 में दो प्लेयर्स को साइन किया है, सुकेश हेगड़े और अक्षय बोड़के। दोस्तों पटना पायरेट्स ने पहले सुकेश हेगड़े को साइन किया और बाद में अक्षय बोड़के को साइन किया, तो ये दोनों ही खिलाड़ी PKL सीजन 9 में हमें पटना पायरेट्स की ओर से खेलते दिखेंगे। तो दोस्तों अब हम पुनेरी पल्टन टीम के PKL सीजन 9 के साइन प्लेयर्स देखते हैं। तो दोस्तों पुनेरी पल्टन की टीम ने PKL सीजन 9 में दो खिलाड़ियों को साइन किया है, पहले है रवि तेहलन और दूसरे है आकाश चौधरी। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें रवि तेलहन की तो ये एक यंगस्टर है और आकाश चौधरी पिछले सीजन तेलुगु टाइटंस की ओर से खेल चुके हैं। तो रवि तेलहन और आकाश चौधरी ये खिलाड़ी हमें पुनेरी पल्टन की ओर से PKL सीजन 9 में खेलते दिखेंगे।